Hey, Tanu. You know what happened? Come on, Tanu. I'm sure कि भाई जानबूझ के ना कहले होखिए. You just relax. ये सब प्रज्ञा ना जानबूझ के कहले होखी. हम कहले रही तरह से कि अभी के दूर रखो उसे. जब से ओके पता चलल बा ना, she knows कि अब तहार शादी होखे वाला बा और अभी ओके घर से निकाल दी, तब भी ओकरा पर चांस मार रहल बिया, ओके फसावे के कोशिश कर रहल बिया. Listen, you just overreacting. तू जाना तेरू भाई ऐसन कब्बो ना होखे दी है. वो बहन जी चाहे कुछ भी कर लेवे. You don't have to worry तनु. कह के भाई ना तो के देखी है ना ही ओके पास आवे दी है. ओके सो जस्ट रिलैक्स और जे करे आल बड़ू कर. हेल्प मी शॉप, कम ऑन. अभी कहाँ बा? भाई के इन्वेस्टर के फोन आ गए, उहे पे गए बड़े. Here's your bill, darling. Our discount? Discount? बाकी कहाँ खाते? हमार engagement के खुशी में, darling. वैसे भी हमार function पे सब लोग तहार dress पहनी है. तो short of promotion तो तहारी होगी ना, तो discount तो बने लही. बाकी तो अभी की शादी में तो कबो discount ना ले लो. अब कहे मांग रहल बाड़ू? ई समझ लो के ई बार दोनों के फायदा बा. Okay, not yours, not mine. 20% discount. No, no. Only mine. 40%. What? 40%? Are you mad? बाकी के डिजाइनर तो 50% देवे के राजी बाड़े एंडी. सोच ला. Okay, Jan. और हाँ, हमके दोनों बिल चाहिए. डिस्काउंट वाला भी और बिना डिस्काउंट के भी. Here you go. What are you doing, Alia? कहले रही ना स्वीटहार्ट, सुने में ना देखे में मजा आई. अबे में हमार कौन गलती बा? कौन भी कपड़ा खराब निकल आवेला. तोरे गलती बा, इतना घटिया कपड़ा रखेला अपन दुकान में. ओकर पैसा भी ज्यादा लेवेला. ये देखा, हमार टी शर्ट 10 दिन में फाट गए. ये हमार टी शर्ट देखा, रंग भी चल गए. अरे भाई, फैक्ट्री से माल ऐसा ना आवा था, हम का कर सके ले हमें. अब फैक्ट्री में जाके बात करी ना. पैसा हमने तोरा दे ली और जाके हमने के फैक्ट्री में बात करी. तू बात करा, हमार कपड़ा बदल के दा ना तो फिर पैसा वापस करा. अरे भाई, ऐसे कैसे पैसा दे सकता नहीं, हमार तो नुकसान हो जाए ना. और हमार जे नुकसान हो जायु. अरे सुरेश भाई, ये देखा, ये दुकानदार दिन दहाड़े लूट रहा हमने. देखा था नहीं, घटिया क्वालिटी के कपड़ा देके हाई क्वालिटी के पैसा लेवे लाई. अरे भाई सुरेश के कहे बुलाओ तारा. सुरेश बोलो शुरू के लस तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाए. यहाँ वा. अब तो तुम्हारा सबक सुरेश ही सिखाई, तहार कंप्लेन करी हो. कंज्यूमर कोर्ट जाई तब देवा दुगुना पैसा. अरे सुरेश भाई, कहाँ जा रहा बानी? अरे सुरेश भाई, एकरा का हो गया इलाज. पहले कोनो गलत बात बर्दाश्त ना करत रहे, आज सबके अनदेखा के चल गए. एगो काम करा, आधा सामान तू ले जा, बाकी हम ले आई. Excuse me, तो हर बैग भी अब हम ही लेके जाए का? ये ला पकड़ा. अब फसल मछली हमर जाल में. अरे आ गए ले तू लोग. निमृत इल इतहराला. वाओ भाभी, दिस इज सो ब्यूटीफुल. चाची चाची, हमने की कपड़ा इल इबंटी की ई बबली के. थैंक यू चाची. भाभी आपके पता बा ई कलर हमके कब से चाहत रहे? आपके कैसे पता कि हमके ई कलर पसंद है? बस पता चल गए. थैंक यू सो मच. बेटा हमरा की बहुत पसंद आइल. वेरी नाइस कलर, बहुत अच्छा कपड़ा बा. हमके भी पसंद बा. हमके भी बहुत अच्छा लागल ई कपड़ा और हमार सूट भी बहुत अच्छा बा. इस सब कुछ इतना अच्छा से सिर्फ और सिर्फ हमार भाभी की वजह से भइल बा. थैंक यू भाभी. आप ना होती तो पता ना हम ये सब कैसे करती. अरे भाभी,
हमार बिल नहीं के मिल रहा, पता ना हम कहाँ रख देनी, हम चेक कर लेता नहीं। एंगेजमेंट के खुशी में पता ना कहाँ रख देनी हम। भाभी ए में तो नहीं खे, कहीं गलती से हम आपके पर्स में तो ना रख देनी, आप प्लीज चेक कर। अब लाई हम चेक कर लेता नहीं, आप तब तक बाकी लोग से बात कर ली है, हम हूँ एक्साइटमेंट में, बाकी ना मिल गए लगत। ये कहा का भाई? भाभी ये कौन बिल है? कहे कि जौन सामान हमने लेनी ओकर प्राइस तो बहुत ज्यादा रहे, ये तो कौनो 40% डिस्काउंट वाला बिल है। हाँ तबे हम कही इतना हल्का का है भाई। हाँ ये हमारे सूट में से भी ऐसे धागा निकल रहा बा, देखी। भाभी आप ऐसा काहे कहनी? मतलब हम मतलब आप ये सब चीप कपड़ा खरीदनी हमारे एंगेजमेंट खातिर? हाउ कुड यू डू दिस? और अगर ये डिस्काउंटेड बिल एजा पर बा, हम तो पूरा पैसा भर ले रही, बाकी के पैसा कहाँ गई? भाभी आप ऐसा काहे कहनी? हम अगर आपके पैसा के चाहत रहे तो आप हमके बोल देती, भाई के बोल देती। काहे कहनी ये सब? वो हमार एंगेजमेंट खाती काहे? भाभी बोली ना, कुछ तो वजह रहल होखी। हम भाभी आप ही पैसा रखनी? हम ई का हम आपके ही पर्स से मिलल है ना? ई हमार पर्स से तो ना मिलल ना, हमके समझ में नहीं कह रहा कि आप ऐसा काहे कहनी। भाभी एक मिनट, प्रज्ञा बोल, ऐसा काहे कहलू तू? दादी दादी हम हम बतावत बानी ये ऐसन काहे कैलक? हमनी के सीख देवे खातिर कि घर के खर्चा में से पैसा कैसे बचावल जाला। आज ही हमनी के ई सिखा देली बिया कि पैसा उड़ावल ही ना बचावल भी जा सकेला। आलिया हम तरह के जौन महीना के खर्चा खातिर पैसा दीहिला वो तो 15 दिन में ही खत्म कर देलू। प्रज्ञा के गलत बोले से पहले तू उसे सीख ल कि कम खर्चा में घर कैसे चलावल जाला। शाबाश बेटी, आज तू फिर बता देलू कि तहरा के एक घर के बहू बना के हम बहुत अच्छा काम करे। और तू दोनों अभी अभी ड्रेस बहुत पसंद आवत रहे, बहुत अच्छा लागत रहे, तारीफ होत रहे, और जैसे ही सुन लू कि डिस्काउंट में कपड़ा आयल बा तो नुक्स निकाले शुरू कर दिल। जितना पैसा में प्रज्ञा ई कपड़ा लेके आयल बिया उतना पैसा में तू लोग बाजार जाके ई खरीदारी कर सकत बाड़ू ना? न बहु होके तो प्रज्ञा जैसन होके, ऐसन होके के चाही घर के बहु जे पैसा के कदर करके पैसा बचावे जानत होके। ऐसा नहीं के कि हमनी के घर में पैसा के कमी बा, बाकी जौन घर में प्रज्ञा जैसन बहु होके ओ घर में तब पैसा के कमी हो ही नहीं खे सकत, उल्टा बरकत रही। अगर हमार थोड़े सा बात तू लोग के पल्ले पड़ गए होके तो आइंदा प्रज्ञा के गलत कहे के जगह उसे कुछ सीख। जियत रहा।